पिछले 7-8 साल से, और हम कहते हुए भी शर्माते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारी मजबूरी है कि हमने अपनी पार्टी को अलविदा किया और आज़ाद साहब के जो उसने नई पार्टी बनाई है उसके साथ मुंसलिक हुए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम जो यहां है वो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो हमारे जहनों में है। हम वी आर बॉर्न कांग्रेस मैन और वो आइडियोलॉजी हमारे जहनों से नहीं निकलेगी, लेकिन वक्त का तकाजा है और हमें मजबूर किया गया है, मजबूरी से हम बाहर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद साहब की क़यादत में इस रियासत में जो माहौल है, अफरा तफरी है, बदअमनी है, बेरोजगारी है, बेकारी है, वो दूर हो जाएगी और ये रियासत तरक्की की राह पर फिर गामजन हो जाएगी। और दूसरी बात, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने हमसे छीना है, खासकर सबसे ज़्यादा बीजेपी की क़यादत में हमारी रियासत को सबसे ज़्यादा, यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ हमसे 370 छीना लिया, 35 ए छीन लिया गया, और उसके साथ साथ स्टेटहुड के आज़ाद साहब की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में ये रियासत आगे बढ़ेगी, तरक्की के राह पर गामजन होगी। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, और लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन को टाल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा है आपको कि इन सालों में 22 स्टेटें थी हमारे पास जहां पावर था हमारा, और 22 स्टेटों में अब एक स्टेट रही है राजस्थान, बाकी सब स्टेटें चली गई। और इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि आपस में गुफ्तगुशीद, आपस की बात न मानना, और जो सजेशन्स आते हैं उन पर अमल न करना, और दूसरी बात, डेमोक्रेटिक तरीके से इंतखाब नहीं करना पार्टी में। हमने कहा अगर प्रेसिडेंट यहाँ ठीक नहीं है तो बदल दीजिए, अब आपके पास इतने लोग हैं, जिसको मर्जी आप कर लीजिए। लेकिन 3 साल उन्होंने लगाए हैं इसमें, और आज देखिए जो कांग्रेस के साथ थे वो सब चले गए। आजाद साहब ने फैसला लिया कि हमारे पास 22 एमएलए ले आए, 22 से 42 बनाए, लेकिन आज हम सिमट गए थे 4 एमएलए पर, एक अनसा के 2 वो भी चले गए, ये क्या नाम, महमूद अमीन भट्ट और गुलजार अहमद वानी, और दूसरा ताज साहब वो भी चले गए। मैं 4 से 4 टर्म में अमल था और मैं भी चला जाता हूँ।